लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान अंजमाम अल हक का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ ने दुनियाई क्रिकेट के लेजेंड ब्रायन लारा को इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर इंजमाम अल हक की एक तकरीब में शिरकत की वीडियो शेयर की गई है, जिसमें उन्हें मोहम्मद यूसुफ की जानिब से दुनियाई क्रिकेट के रिकॉर्ड साथ बैट्समैन ब्रायन लारा को दी जाने वाली इस्लाम की दावत से मुतल्लिक इंकशाफ करते देखा जा सकता है। इंजमाम अल हक के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने कराची में होने वाले टेस्ट मैच के दौरान साबिक वेस्टइंडीज कप्तान ब्रायन लारा को खाने पर बुलाया था, जिसके पीछे मोहम्मद यूसुफ का मकसद ब्रायन लारा को दीन की तबलीग देना था। दावत के दौरान ब्रायन लारा को बताया गया कि किस तरह हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं, किस तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करते हैं, किस तरह हम माँ बाप की खिदमत करते हैं और किस तरह बीवी बच्चों के मामला निभाते हैं, किस तरह पड़ोसियों और किस तरह कारोबार को लेकर चलते हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ की जानिब से दी गई इस्लाम की दावत पर ब्रायन लारा खामोश हो गए थे।